जिया बेटे, बेटा अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने ना उस बाबा पर जादू किया था, उसने तेरे भविष्य के बारे में जो भी बताया ना वो सब झूठ था। आप मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। ना बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उस बाबा की सारी बातें झूठी थी, तू बेकार में टेंशन ले रही है। और फिर बेटा, हम तो परियां हैं ना, हम तो खुद अपना भविष्य बना सकती हैं। नहीं नानी, वो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, I'll always be a loser। ऐसा नहीं कहते बेटा, सुनो सुनो सुनो, देखो मुझ पर भरोसा रखो, तुझे जॉब जरूर मिलेगी बेटा। लगता है अब मुझे जिया की जादू से ही मदद करनी पड़ेगी। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जिया को मत रोने दे, अभी इसी वक्त इसे हंसा। जादू अब तू कर कमाल, अभी जॉब की ऑफर ला। हेलो, एम आई टॉकिंग टू जिया मल्होत्रा? यस, जिया मल्होत्रा स्पीकिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रिच पब्लिशिंग हाउस। हमें आपका नंबर आपके कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिस्ट में से मिला। हम आपको एक जॉब ऑफर करना चाहते हैं, क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? जी हाँ, जरूर। थैंक यू नानी, मुझे अभी जॉब की ऑफर मिली है। कन्या, तेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है नानी। पता नहीं वहाँ पर वो लोग क्या क्या सवाल पूछेंगे, मैं तो कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया, मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट कर रहा है। वो तो होना ही था ना जिया, तुम तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रही हो, तुम नर्वस तो होगी ही, इसलिए मैं अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होकर बैठ गई। कहाँ जाने के लिए? तुम्हारे साथ चलने के लिए। मैं भी जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, और ये कोशिश करूंगी कि बिना इंटरव्यू दिए तुम सेलेक्ट हो जाओ, और कभी अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो इंटरव्यू लेने वालों पर मैं ऐसा जादू करूंगी कि वो तुमसे सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे और तुम सेलेक्ट हो ही जाओगी। तो आप मुझे जादू से सिलेक्ट करवाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ है? बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह मेरे पापा ने भी कहा कि अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने जादू से एक ऑफिस बनाया, जादू से एक स्टाफ बनाया, जादू से एक बॉस बनाया, और अपने ही बनाया ऑफिस में मैंने जॉब भी कर ली। अभी हम तो परियां हैं, हमें फिक्र करने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास जादू है। तो आप जादू से चीटिंग करवा कर मुझे जॉब दिलवाएंगी? ये गलत बात है ना नानी, बाकी कैंडिडेट्स के लिए तो ये चीटिंग हो जाएगी। मैं खुद जाकर अपना इंटरव्यू दे दूंगी, अब अगर मुझे जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ओके जिया, हम एक छोटा मोटा रिहर्सल कर ले इंटरव्यू का, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मैं सवाल पूछूंगी, तुम जवाब देना। सबसे पहला सवाल, नाम क्या है? सुषमा। जिया, मैं अपना नाम नहीं तुम्हारा नाम पूछ रही थी, खैर जाने दो। दूसरा सवाल, जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा एम क्या है? देखिए, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, मैंने पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं फेल नहीं होना चाहती, प्लीज मुझे पास कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। जिया जिया जिया, हम परियां हैं, इतना प्लीज 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 नहीं करते। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं तुम्हें सिलेक्ट कराने, कॉन्फिडेंस तो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ जादू से। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जिया के इंटरव्यू का सवाल है भाई, जल्दी से हमें दिला दे कॉन्फिडेंस की दवाई। ये है कॉन्फिडेंस की दवाई, इसे पी लो। ओके नानी, मैं जा रही हूँ अपना इंटरव्यू देने, और अब देखना मुझे ये जॉब जरूर मिलेगा। थैंक्स नानी, बाय। जिया, ये तूने क्या किया? नानी, ये कॉन्फिडेंस की दवाई टूट गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ना हो मेरी जिया दोबारा नर्वस, जादू तो कर दे सब कुछ रिवर्स। अगर आप लोग मेरे पहले आए हुए कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं बाद में भी आ सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे इंटरव्यू के बाद आपको ये रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देयर विल बी नो कंपैरिजन। क्वाइट कॉन्फिडेंट, हैव अ सीट। नानी के कॉन्फिडेंस की जादुई सॉल्यूशन ने तो कमाल कर दिया। नानी ने कहा था कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले थोड़ा सा और पी लेना। ओके। लो, जिया का मोबाइल तो टेंपरेरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये मोबाइल सर्विस वाले बड़े फास्ट हो गए। लेकिन मैंने तो जिया को कॉन्फिडेंस की दवा पिला दी है, मुझे किस बात की फिक्र?
रिलैक्स, घबराओ मत। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आपका नाम क्या है? सुषमा। नहीं नहीं, ये तो मेरी नानी का नाम है। मेरा नाम जिया जिया मल्होत्रा है। एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ जानती हो? जी, एडवर्टाइजिंग में तो एड्स बनते हैं, वो जो होर्डिंग पर लगते हैं या फिर पेपर में आते हैं या फिर टेलीविजन शोज के ब्रेक में। बस इतना ही जानती हूँ जी। लेकिन मैं जॉब पे सीख लूंगी। प्रूफ रीडिंग आती है? Proofreading means किसी भी पेपर को रीड करके ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना। आई थिंक शी कैन डू इट। ओके, ये पेपर लो और प्रूफ रीडिंग करके दिखाओ। घबराओ मत, एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक परी अपनी नानी को हमेशा अपने जादू से परेशान करती है। और लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, भला कोई परी अपनी नानी को जादू से परेशान कैसे कर सकती है? क्योंकि सारी परियों को उनका जादू तो उनकी नानी ही सिखाती है ना। और वैसे भी नानी का जादू तो परी के जादू से ज्यादा अच्छा होगा, तो वो तो उसे परेशान कर ही नहीं सकती। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स तो बहुत दूर की बात है, ये तो पूरी स्टोरी ही गलत है। हाउ डेयर यू से दैट दिस स्टोरी इज रॉन्ग। प्लीज यू मे गो नाउ। मिस जिया, हम तुम्हें जॉब पे रखने से पहले फायर करते हैं। यू आर फायर्ड। थैंक यू। आपकी वजह से, सब आपकी वजह से हुआ है। आज आपके जादू की वजह से मैं इंटरव्यू में फेल हो गई। नहीं बेटे, देखो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने जादू से इसके सिचुएशन को रिवर्स किया था ताकि वो टूटी हुई ट्यूब जुड़कर तेरे हाथ में आ जाए, और उसकी वजह से जो ट्यूब में सोल्यूशन था उसका भी इफेक्ट रिवर्स हो गया। पता है, इंटरव्यू में मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं हार गई। नहीं बेटा, रोते नहीं, मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, दूसरा जॉब कर लेंगे ना। नहीं, वो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मुझे किसी भी फील्ड में कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं हमेशा हारूंगी। I'll always be a loser. नहीं जिया बेटे, प्लीज मत रो, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ लेकिन तुम्हारी ये रोने की आवाज मैं नहीं सुन सकती। बेटा प्लीज ना बेटे। हेलो। हाँ 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 जी, है एक मिनट। जिया बेटा, तुम्हारा फोन है। हेलो, मिस जिया मल्होत्रा। यस, जिया मल्होत्रा स्पीकिंग। हाय, आई एम विशान, ऑस्ट्रिच पब्लिशिंग हाउस से। आप ऑस्ट्रिच पब्लिशिंग हाउस से बोल रहे हैं, कहिए। एक्चुअली मैंने अपने बॉस से बात की, उन्हें कन्विंस किया, एंड नाउ वी थिंक दैट यू आर द परफेक्ट चॉइस फॉर द जॉब। तो क्या अब आप ऑस्ट्रिच पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन करना चाहेंगी? देखिए, बॉस को रियलाइज हो गया कि आपने जो आर्ग्यूमेंट किया था बिल्कुल सही था। बल्कि इतना ही नहीं, बॉस आपको एक महीने की सैलरी एडवांस में देने के लिए भी तैयार है। क्या आप मुझे मेरे पहले मंथ की सैलरी भी एडवांस में देने के लिए तैयार है? तो क्या अब आप ऑस्ट्रिच पब्लिशिंग हाउस की फैमिली मेंबर बनना चाहेंगे? I'll take the job. Thank you very much. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। सच? बिल्कुल सच जिया। नानी, I got the job. Wow. अब मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो पाऊंगी और अपनी सारी जिम्मेदारियां और अपने बिल्स खुद भरूंगी। नानी, मैं जल्दी से ध्रुव को फोन करके बताती हूँ। ओके? ध्रुव तो मेरे फोन उठाता ही नहीं। तो क्या हुआ? मैंने कहा ना जिया, मैं हूं ना नानी।